आज मैं बताऊंगा आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कैलकुलस, ठीक है, कि रियल जिंदगी में कैलकुलस को कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं एक ऐसी कंपनी की, ठीक है, जो कार्डबोर्ड से एक बॉक्स बनाती है। तो ये कार्डबोर्ड इस तरह का होना चाहिए, स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, स्क्वायर कार्डबोर्ड है, ठीक है। इसका आपको ये सेक्शन यहाँ पे, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये सेक्शन यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, और फिर ये इसका डब्बा बनेगा चारों तरफ से उठा उठा के। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये स्क्वायर है, इसमें से इस साइड से यहाँ से कुछ काट दिए इक्वल लेंथ, ये मान लीजिए कि एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स और एक्स, एक्स लेंथ है, क्योंकि आपको पता नहीं। इस डब्बे का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसमें उतना सामान ज्यादा आप रख सकते हैं और इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि लेस कार्डबोर्ड आप यूज करेंगे और ज्यादा वॉल्यूम का डब्बा बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा सामान आएगा, ठीक है। तो ये देखना है कि उस डब्बे का वॉल्यूम कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, किस तरह के डब्बे आपको बनाने हो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक मैथमेटिकल मॉडल की जरूरत पड़ेगी। वो मॉडल मॉडल क्या होगा वो देखिए। ये लेंथ जो है टोटल ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें से आपने एक्स इधर ले लिया, इधर ले लिया, तो ये जो लेंथ बचा यहां पे, ये टोटल ये कितना हुआ, 60 माइनस 2x, क्योंकि एक्स ये लेंथ और एक्स ये लेंथ दोनों माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 2x। सेम यहां भी होगा कि ये जो लेंथ यहां पे होगा ये 60 माइनस 2x होगा, ठीक है। और ये जब डब्बा आप यहां पे मोड़ेंगे, ये इधर हो जाएगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो उसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, जितना ये एक्स है यही उसका हाइट होगा, ठीक है। तो आपके डब्बे का शेप कुछ इस तरह से भी हो सकता है। देखिए डब्बे का शेप इस तरह से कैसे होगा कि यहां पे जैसे ये है और ये मैंने एक्स को यहाँ से काट के निकाल दिया, और तब जो रेस्ट पार्ट है ये इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको इधर से किया, इसको इधर से किया। तो यहाँ पे आपको यही यही चीज़ डिजाइन करना है कि ये एक्स आप कितना लें कि ये वॉल्यूम जो है इस डब्बे का ये मैक्सिमम हो। ये डब्बा इस तरह का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कैसे आप एक्स को कट करते हैं। ये देखिए ये छोटा डब्बा भी इस तरह का बन सकता तो है। इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा कि सबसे पहले मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम वी इक्वल टू 60 माइनस 2x इंटू 60 माइनस 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 60 माइनस 2x इंटू 60 माइनस 2x इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्लस 4x³, ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ये कैलकुलस में होता है। डी डैश या इक्वल टू आप जैसे लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पूरे टर्म का हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो दिस इज 3600 माइनस 2 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 480x और प्लस 12x² फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इक्वल टू 0 होगा जिस x के लिए, वहीं पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से 12 को कॉमन लेते हैं और फिर देखिए इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा x² - 40x + 300 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो x - 30 × x - 10 = 0 होगा। तो x के लिए x = 30 और x = 10, ये दो वैल्यूज आते x के हैं। दो वैल्यू है x = 30 और x = 10, जिस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो आपको x 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपका लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, तो x = 30 इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आप दोनों तरफ से जब 30 और 30 को ये करेंगे x और x, तो वो 30 30 60 हो जाएगा, तो 60 - 60 = 0, तो ये यहाँ पे मीनिंगलेस है x का वैल्यू। तो x = 10 पे जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपको इस कार्डबोर्ड का जो साइड से जो कटना है आपको, वो x = 10 सेंटीमीटर होगा। तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं कैलकुलस को समझने के लिए, ये उनमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल था।